नमस्कार दोस्तों, हम रामकलास यादव। दोस्तों, हमारे लल्लू पंजू टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारी भैंस जो है सीमन कराए 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया, डिस्चार्ज कर रही है। जैसे फटा हुआ दूध हो, खुत्ती खुत्ती निकले, या दही समझ लीजिए, दही जैसे बहुत गाढ़ा खराब दूध जैसा हो जाता है, फट जाता है दूध, उसके हिसाब से डिस्चार्ज उस तरह से हो रहा है, तब क्या हमारी भैंस गाभिन है या नहीं है। तो दोस्तों आज हम इस विषय पर चर्चा करूंगा। हमें ऐसा दोस्तों कई बार कमेंट आया था, हमें ऐसा लगा कि हमें इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों बताने से पहले हम यही कहूँगा, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर आपकी भैंस सीमन कराने के बाद मान लीजिए 1 महीने 2 महीने 3 महीने जब भी डिस्चार्ज करती है, तो फटा हुआ दूध जैसा या दही जैसा अगर डिस्चार्ज हो रहा है, आप फटा हुआ दूध समझ सकते हैं कि अगर दूध फट जाता है तो अंदर गुत्थी गुत्थी जैसा निकलता है, दही जैसे, अगर इस तरह से डिस्चार्ज हो रहा है तब क्या आपकी भैंस गाभिन है या नहीं है। अगर दोस्तों ऐसा देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए आपकी जो भैंस है उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन का एक पहचान होता है, एक अनुमान होता है, और बात आती है गाभिन होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें दोनों हो सकता है। मान लीजिए कि 80% उम्मीद होता है कि गाभिन नहीं होगी, और 20% ये भी आशा लगाया जा सकता है कि आपकी भैंस गाभिन हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे केस में देखने को मिला है कि गाभिन भी मिली है और नहीं भी गाभिन मिली है। तो इसके लिए दोस्तों इसमें कन्फर्म नहीं कहा जा सकता कि आपकी भैंस जो है गाभिन नहीं होगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल सुझाव रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।